ज्यादा आनंद किसी चीज का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकलकर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माँस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर कीरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर कीरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर कीरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आप मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की
बनी रोटियां होती हैं, देसी माश की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और
पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। अरे
सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे
आटे की बनी रोटियां होती हैं, देसी माश की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और
पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा।
सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे
आटे की बनी रोटियां होती हैं, देसी माश की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और
पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा।
सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे
आटे की बनी रोटियां होती हैं, देसी माश की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और
पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवे पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा।
सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे
आटे की बनी रोटियां होती हैं, देसी माश की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं, देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और
पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियां होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कारपोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर केतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा।
सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और माश की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि यहां पे मक्की की रोटी का स्वाद औरों से अलग होगा, क्योंकि वो पंचक्की यानी घराट के ऊपर पिसे आटे की बनी रोटियाँ होती हैं। देसी मांस की दाल और गाय भैंस के घी के साथ इसका स्वाद ही अलग है, जो आपको बरसों याद रहेगा और आपके टूर का मजा भी दुगना कर देगा। सर्दियों के मौसम में गुनगुनी धूप के बाद यदि सबसे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ का लिया जाता है तो वो है मक्की की रोटी। पंजाब की अगर बात करें तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ये अब एक वर्ल्ड वाइड डिश बन चुकी है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो मक्की की रोटी के साथ माश यानी उड़द की दाल का फैशन है, और अब यह फैशन धीरे धीरे घरों से निकल कर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ रहा है। ऐसी बहुत सी दुकानें यानी ढाबे खुल गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ खाने में मक्की की रोटी और मांस की दाल परोसी जाएगी, वो भी देसी घी के साथ। ऐसे कई ढाबे आपको मनाली से लेकर किरतपुर तक और पठानकोट से लेकर शिमला तक के हाईवेज पे मिल जाएंगे, जहां आप अपने सामने लकड़ी के चूल्हे पर मक्की की रोटी बनते हुए सिकते हुए ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसको नॉर्मल दामों पर खा भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हाईवे के किनारे जहां भी आपको मक्की की रोटी और मांस की दाल का ढाबा मिले वहां जरूर रुकें, क्योंकि